झांसी की बरुआ सागर थाना पुलिस ने गत दिवस हुई प्रवेश कुशवाहा की हत्याकांड की घटना से पर्दाफाश करते हुए आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हत्याकांड को अंजाम अवैध संबंधों के चलते दिया गया। शुक्रवार को पुलिस लाइन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान एसएसपी राजेश एस ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 जनवरी को मनशील माता मंदिर के पीछे झाड़ियों में एक युवक की लाश मिली थी, जिसकी शिनाख्त प्रवेश कुशवाहा निवासी निमोना खेड़ा बरुआ सागर के रूप में हुई थी। प्रवेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत गला दबाकर की गई थी। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर विवेचना करते हुए मृतक के कब्जे से बरामद मोबाइल फोन कॉल्स डिटेल के आधार पर पुलिस ने मृतक के घर के पास रहने वाले देशराज उर्फ छोटू कुशवाहा और उसकी पत्नी पार्वती को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो दोनों ने प्रवेश की हत्या का जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि प्रवेश की हत्या उन्होंने ही मिलकर की है। देशराज ने बताया कि उसकी पत्नी के प्रवेश से अवैध संबंध थे, इसकी उसे जानकारी हो गई थी। इस पर उसने अपनी पत्नी को धमकी दी वह प्रवेश को रास्ते से हटाने में उसकी मदद करे, नहीं तो वह उसे तलाक दे देगा। पति से तलाक होने की बात से उसकी पत्नी पार्वती ने योजनाबद्ध तरीके से 4 जनवरी को सुबह प्रवेश को फोन करके झाड़ियों में बुलाया और देशराज वहीं छिप गया था। जैसे ही वह प्रवेश और पार्वती बातचीत करने लगे तभी देशराज ने पीछे से रस्सी का फंदा प्रवेश के गले में डालकर उसे कसकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने हत्यारोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त मृतक का ड्राइविंग लाइसेंस, बाइक तथा हत्या में प्रयुक्त रस्सी बरामद की है। झांसी जनपद में बरुआ सागर थाना क्षेत्र अंतर्गत 4 तारीख को एक 22 वर्ष का युवक का डेड बॉडी मिली थी। उसी दिन पहचान भी हो गया था। इसमें पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ स्ट्रैंगुलेशन आया हुआ था, तो गला दबाने की हत्या होने का मुकदमा हम लोग दर्ज करने के पश्चात इन्वेस्टिगेशन शुरू किए थे। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चल गया कि जो मृतक है उनका एक महिला मित्र से बात होती थी। उस महिला मित्र और उनका पति का आपस में इसी बात को लेकर 4-5 दिन पहले झगड़ा हुआ है। उसके बाद पति और महिला मित्र दोनों मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। 4 तारीख को सुबह 5 बजे के लगभग विक्टिम को बुलाया गया था एक जगह पे, और महिला मित्र और विक्टिम दोनों बातचीत करते समय पति पीछे से आके रस्सी से उनको गला दबा दिया। उसमें फिर पत्नी भी मदद की। घटना करने के बाद ये लोग जो विक्टिम का मोटरसाइकिल पर्स वो सब गायब कर दिए गए थे, पुलिस ने सबको बरामद कर लिया है। घटना का मोटिव यही है कि जो पति है वो पत्नी को जो महिला मित्र को धमकाया कि अगर आप मुझे सहयोग नहीं करोगे तो मैं आपको तलाक कर दूंगा, इस तरह का कुछ आपस में लड़ाई झगड़ा करके फिर पत्नी को किसी तरह समझा बुझा के अपना घटना में शामिल करा लिया। तो पति और जो महिला मित्र दोनों गिरफ्तार हो गए हैं। 48 घंटे के अंदर पुलिस ने इस घटना का खुलासा कर दिया।